जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जॉब नोटिफिकेशन में। जैसे कि मैं आपके लिए डेली वैकेंसीज लेके आते रहता हूँ, आज भी आपके सामने वैकेंसी लेके आया दोस्तों। AMSL ग्रुप में वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में। सो आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, कौन सी पोजिशन के लिए, कौन कौन एलिजिबल है दोस्तों, सभी तरह के ब्रांचेस के लिए बताऊँगा दोस्तों। सो ध्यान दीजिए, इसमें सभी तरह के ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप डिप्लोमा किया होंगे, BE BTECH किया होंगे या एनी ग्रेजुएट, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो रहेगी 38,400 रहेंगी दोस्तों। इसमें 2022 वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना आपसे कोई एग्ज़ाम ली जाएंगी ना कोई फ़ीस दी जाएंगी दोस्तों। अगर आपको फ़ीस डिमांड कर रहा हूँगा तो आप मतलब उसको फ्रॉड समझिए और इग्नोर कर दीजिए। और दोस्तों और एक बात बता दूँ, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है वीडियो में बताया दोस्तों मैंने, सो ध्यान से देखिए उस वीडियो को, सुनिए कि क्यों नहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप हर जॉब के लिए अप्लाई करके भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, तो आप देखिए उसमें कि कौन सा रीज़न है, आप कौन से रीज़न पर फिट बैठ रहे होंगे। सो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो उससे पहले, आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे या पुराने होंगे, फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो पोस्ट करूँ आप सबसे पहले नोटिफिकेशन जा रहा हो, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे दोस्तों। और दोस्तों साथ में हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपकी शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी से हमको आपको वैकेंसी पहुँचाने का मन करता है, मतलब हमको एक जोश आ जाता है। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी देरी के। साथ जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हम AMS के ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। यहाँ पर आपको जॉब कहाँ से मिलेंगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं पूरी प्रोसीजर बताऊँगा। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए अच्छे से देखिए, जिससे कि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। जिससे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप इस कंपनी के बारे में बहुत सारे देख पा सकते हैं कि ये एमिनेशन में वर्क करता है दोस्तों, ये बहुत सारी एयरक्राफ्ट में भी अपना योगदान देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आप देख सकते हैं, पर मैं आपके लिए और क्लाइंट में देख सकते हैं, टाटा स्टील है, DRDO है, बहुत सारे भेल है, ONGC है, इनके बहुत सारे क्लाइंट्स है दोस्तों। सो इसमें ये वर्क करती है। सो आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रहे होंगे इस कॉर्नर पर, वहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा करियर्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे करियर्स पर क्लिक करेंगे, आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर वैकेंसीज हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले अप्लाई कर सकें। जैसे कि अपने स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको वैकेंसीज दिखना चालू हो जाएंगी दोस्तों। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप करंट ओपनिंग्स का यहाँ पर ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप करंट ओपनिंग पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा करियर्स के पोर्टल के थ्रू। सो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको वैकेंसीज दिखना चालू हो जाएंगी। मैं सभी वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एम्बेडेड इंजीनियर, यहाँ पर आपको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, BE BTECH, आप जो वाले बोल सकते हो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एम्बेडेड इंजीनियर में क्या आता है, एक्सपर्टीज इन CSIT, मतलब आपको कोडिंग आनी चाहिए, C++, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, लिनक्स वगैरह, आपको कोडिंग आनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये वाली वैकेंसी में। इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, BE BTECH इक्विवेलेंट चाहिए आपके। अगर ब्रांच के अदर भी आपको अगर ये स्किल आते होंगे तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्किल मैटर करती है। उसके बाद है दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इन्होंने बोला है दोस्तों कि अगर आप का ग्रेजुएशन हुआ है, ग्रेजुएशन मतलब BE BTECH डिप्लोमा BSc, आप इसमें कोई भी ग्रेजुएशन हुआ है दोस्तों, फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन ब्रांच, ऑल ब्रांच कैन अप्लाई हियर, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर्स है और इसमें एक ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो बहुत बढ़िया है बात है दोस्तों। सो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों क्वालिटी इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर में आपको क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है वो भी बताता हूँ दोस्तों। सो आपको क्या है, यहाँ पर क्वालिटी इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जिनके ब्रांच है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एनी ग्रेजुएट विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इसमें इस जो स्किल मांगे हैं अगर आपके पास आते होंगे तो। सो आप स्किल को देख लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास स्किल होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको एक्सपीरियंस 1-2 साल का होना चाहिए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। परचेस एग्जीक्यूटिव की जॉब है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर क्वालिफिकेशन में उनको क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा और BE BTECH चाहिए, ECE, EEE
और मैकेनिकल वाली इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स प्लस एक्सपीरियंस दोनों इसमें, मतलब फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो, एक अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों हार्डवेयर इंजीनियर, आपको इसमें कौन कौन एलिजिबल है, बीई बीटेक वाले दोस्तों, ये क्लियरली मेंशन है आपके पास, अगर आपके स्किल मेंशन जो इसमें दिए आपके पास अगर वो है सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन जिनको कोडिंग आती है, मतलब कौन CS, IT और ECE वाले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन मैनेजर, इसमें आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर मतलब आ गया दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस, 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें दोस्तों SMT इसमें क्या बोला है दोस्तों, आप इसमें ITI वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। BE BTEC वालों के लिए ECE और EEE है दोस्तों, शायद वो आप डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली लिखा है दोस्तों। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CNC ऑपरेटर है दोस्तों, यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका मतलब कोई भी ब्रांच से हो दोस्तों तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं बता दूँ इसमें मेन सिविल जो मदर ब्रांच से दोस्तों अप्लाई कर ज़रूर कर सकते हैं, सिविल उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ये है मदर ब्रांचेस। क्वालिटी में बोला दोस्तों, क्लियरली बोला है उन्होंने, उनको चाहिए मैकेनिकल वाला बंदा, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी अगर जॉब खोल के देखेंगे तो सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, और यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आप क्लियरली देख सकते हो, नाम, प्रेजेंट लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, टोटल एक्सपीरियंस में आपको फ्रेशर्स डालना है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ये डैश डाल देना है। उसके बाद आपको रिज्यूम हेडलाइन डालना है कि आप कौन सी पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सो मतलब आपका नाम होना चाहिए। सो उसके बाद फंक्शनल एरिया, आप कौन से एरिया में वर्क करना चाहते हैं वो डाल दीजिए, किस स्किल, इसी पॉइंट से आपका सिलेक्शन होगा, सो स्किल अपने जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे क्वालिटी बोला है, क्वालिटी मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल के उसमें जो मेंशन किए वो स्किल डाल दीजिए अपने रिज्यूम में, थोड़ा सा एडिट कर दीजिए और थोड़ा उस पढ़ लीजिए उस स्किल के बारे में, और करंट इंडस्ट्री तो नहीं है, आप डिप्लोमा ग्रेजुएशन में बता दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेबल कंट्री मतलब कंट्री में, जिस कंट्री में रह रहे उस कंट्री में, सिलेक्ट जॉब टू अप्लाई, कौन सी जॉब के लिए आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे जॉब से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आपको करना है रिज्यूम अपलोड, यहाँ पर ऑप्शन है, आपको कर देना है रिज्यूम अपलोड यहाँ से सिलेक्ट करके। रिज्यूम आपका दोस्तों मैं बता रहा हूँ हर वीडियो में, आप 100 भेज, मैं बता देता हूँ, 100 अगर रिज्यूम जाएंगे ना, उनमें से 70 तो सॉफ्टवेयर जो होता है वही कट कर देना, उसके बाद क्योंकि आप मैच ही नहीं हो रहे हैं उनके स्किल स्किल में और आपका रिज्यूम बहुत अच्छा नहीं है तो आप इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। बाकी 30 बचते हैं, 30 में से भी 15 मतलब 50% वो रिजेक्ट, ह्यूमन रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद 15 में से इंटरव्यू होता है, उसमें से 15 में से आप पकड़ लीजिए 5, 6, 7 तक रिक्रूट करते हैं तब इसमें आपकी सिलेक्शन होती है। सो ये मत सोचिए कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ और सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, तो आपके कुछ मिस्टेक्स होंगे जिसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो रहे, ये कंपनी तो आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं होंगी दोस्तों कि वो बोल रहे हैं इस बंदे को तो नहीं करना है, कुछ आप में ही जो अप्लाई करने के प्रोसीजर है वो गलत हो रही है, रिज्यूम गलत है। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होते रहिए, यहाँ पर आपको अगर रिप्लाई नहीं आ रहे होंगे मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पर जॉब आप अप्लाई करेंगे ना तो 100% आपको रिप्लाई आ जाएंगे, तो सो वहाँ पर कंटिन्यू, क्योंकि मैं वीडियो एक ही वैकेंसी का बना सकता हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू है दोस्तों, पर मैं जो वैकेंसीज़ है वो ग्रुप में बहुत पोस्ट करते रहता हूँ। सो आप दिन में 3-4 वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो उनका रिप्लाई याद रखिए, अप्लाई करते 1-2 दिन में रिप्लाई नहीं आता है, कंपनी बड़ी कंपनी 10 दिन लेती है सो रिप्लाई करने के लिए, सो वहाँ पर अप्लाई करते रहिए। सभी में आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप विज़िट करिए और वहाँ से मतलब अप्लाई करते रहिए, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अप्लाई करते रहिए।